शाम है समय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के जूडो एरिना में। जी हाँ, मंच सज चुका है। ब्रॉन्ज मेडल का यह मुकाबला है, बिलो 60 किलोग्राम कैटेगरी में मुकाबला है और वाइट कॉर्नर में है चंडीगढ़ के कपिल दमाई और सामने है ब्लू कॉर्नर में तमिलनाडु के तमिल देवाटी। सविता गुरंग ने शुरुआत की है हजमे से और इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। जानते हैं मेडल मैच है, हल्की सी चूक और बाजी पलट भी सकती है। जी हाँ, इस बार बहुत बढ़िया ये टेक्निक लगाने की कोशिश ऊंची माता के लिए गए थे, लेकिन इशारा और ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का सबूत कि जी हाँ, जो तमिलनाडु का जो होम ग्राउंड है वो बहुत हद तक यहाँ जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उत्साहवर्धन किया और इसी के साथ एक बार फिर ये गुत्थम गुत्थी के बहुत बढ़िया उठाकर पीठ के ऊपर से ले जाकर चित करने की कोशिश थी। बार बार आजमाइश टेक्निक्स होती हैं, ऊंची माता ऊंची गारी कोची गारी और सभी का यहां बेहतरीन प्रदर्शन बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन व्हाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की लेकिन बहुत मुस्तैदी से होल्ड करने की कोशिश थी ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी की, लेकिन रेफरी के हस्तक्षेप के बाद ये सेफ्टी एरिया से वापस किया गया। माते का इशारा, माते यानी कि आप छोड़ दीजिए खेल को यहीं पर और अब एक बार फिर खेल शुरू होते हुए हजमे के साथ निर्धारित 4 मिनट। इस बार बहुत बढ़िया एक टेक्निक थी प्रवेश, लगातार प्रयास किया गया है व्हाइट कॉर्नर की ओर से लेकिन सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल, जिस तरीके से व्हाइट कॉर्नर का खिलाड़ी अटैक पर अटैक कर रहा है उसी तरीके से सामने वाला जो खिलाड़ी तमिलनाडु का जो खिलाड़ी है आप देख रहे हैं कि वो उसको बार बार डिफेंस कर रहा है और अटैक और डिफेंस जब एक साथ दोनों खिलाड़ी रहते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बाउट होती है कि वो फिर बाउट फंस जाती है, जैसे कि आपको देखने में आ रहा कि दोनों ही खिलाड़ी पूरी जोरदार आजमाइश के साथ खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु का खिलाड़ी है, क्योंकि उसके ऊपर अपना एक लोकल प्रेशर भी है, वो अपने आन बान शान के लिए अपने राज्य की शान के लिए पूरे जान लगा रहा है। फिर से व्हाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने उची माता टेक्निक का प्रयास किया और वहीं रेफरी का माते का इशारा, सविता गुरुंग ने माते का इशारा किया और गर्दन निकालने के लिए जो साइन दिया है उसकी शिदो दी गई है ब्लू कॉर्नर के तमिलनाडु के खिलाड़ी को और कहीं ना कहीं खिलाड़ी शिदो के बाद में सेफ जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है तमिलनाडु का खिलाड़ी। जी हाँ, एक शिडो का खतरा तमिलनाडु के खिलाड़ी के लिए नजर आ रहा है स्कोर बोर्ड पर। इस बार क्या वजारी का एक अंक हासिल करने में कामयाब रहे हैं चंडीगढ़ के कपिल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, जो लगातार मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम अब स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए एक वजारी और अगर एक वजारी और मिल जाएगी तो इप्पोन हो जाएगा और यह मुकाबला यहीं समाप्त हो जाएगा। फिलहाल कोशिश यही तमिलनाडु के खिलाड़ी की, मेडल मैच है कोई ढील नहीं देना चाहेंगे। बार बार व्हाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने अटैक करने की कोशिश की है और अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी उसी का मुजाहरा करते हुए चंडीगढ़ के कपिल बहुत बढ़िया इस बार एक तरीके से लपेट सा लिया है, बिल्कुल ही बेबस कर दिया है, लेकिन मुस्तैदी के साथ कपिल बचाव में लगे हुए हैं कि अंक ना मिल पाए तमिलनाडु के खिलाड़ी को और इसी के साथ माते का इशारा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तमिलनाडु के खिलाड़ी को संभलना होगा। एक बार फिर खेल शुरू होते हुए लगभग 1 मिनट 10 सेकंड का खेल बाकी, लेकिन जो प्रदर्शन कहा जाएगा चंडीगढ़ के खिलाड़ी का कपिल का, जी हाँ, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। मेडल मैच है ये, कांस्य पदक की लड़ाई है ये और निश्चित तौर पर इप्पोन के साथ इस मुकाबले में विजयी रहे हैं, कांस्य पदक अपने नाम किया है और रोमांचक मुकाबला और जीत मिली है चंडीगढ़ के कपिल को। और अब ये बिलो 60 किलोग्राम का फाइनल गोल्ड मेडल का ये मैच है और हरियाणा वर्सेस हरियाणा, जी हाँ, हरियाणा के हैं लक्की और हरियाणा के हैं इंद्र आकाश सिंह। दोनों ही खिलाड़ियों ने अभिवादन किया
और ये येलो एरिया जो है कंटेस्ट एरिया, अब यहाँ पर जो, और ये भी कमाल की बात है कि दोनों ही खिलाड़ी जो हैं इनके कोच बिल्कुल एक ही हैं। जी हाँ, जो गुर सीखे हैं वो एक ही गुरु से दोनों खिलाड़ियों ने सीखे हैं, और देखना होगा कितना सीखा है। ब्लू कॉर्नर के जो खिलाड़ी हैं वो भारतीय चुनौती को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या रहेगा रिजल्ट वो देखना दिलचस्प। फिलहाल वाइट कॉर्नर के जो खिलाड़ी हैं लक्की, वो फिलहाल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत शुरुआती क्षण हैं। 4 मिनट का टोटल खेल होता है, अभी 3.5 मिनट का खेल बाकी है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये देखिए, बिल्कुल जूडो के नियमों का पालन करते हुए दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि कमर से नीचे अगर आप पकड़ेंगे तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, पेनल्टी होगी शीडो के रूप में, और 3 शीडो यानी कि आप अपनी जो जीत है वो विरोधी खिलाड़ी को प्लेट में सजा के दे देते हैं, इसलिए शीडो से बचना होता है, अंक हासिल करने होते हैं। यही जूडो की खासियत, यही जूडो की खूबसूरती। ये एक ऐसा खेल है जहां आपको अटैक तो करना होता है लेकिन दूसरे खिलाड़ी को घायल नहीं करना होता है, अपनी मर्यादा में रहकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करना होता है। बहुत बढ़िया ये खेल, बहुत बढ़िया तरीके से टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश थी लेकिन बचाया लकी ने, लकी रहे एक तरीके से देखा जाए तो। और इसी के साथ ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को एक शीडो अवार्ड कर दिया गया है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो निश्चित तौर पर इंद्र आकाश सिंह के लिए ये है परवेज। बिल्कुल कौशिक, बड़े पछोपोस की स्थिति हो जाती है जब एक ही राज्य के दो खिलाड़ी खेल रहे हों, तो आप देख रहे हैं कि जैसे दूसरे कोचेज अलग अलग होते हैं तो अपने अपने खिलाड़ी को गाइड करते हैं, बट मुझे महज एक खाना पूर्ति नज़र आ रही है। दोनों ही कोच शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो जीत जाएगा, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों ही ये जो मेडल हैं वो हरियाणा को जाएंगे, इसलिए शायद दोनों खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ खेल रहे हैं पूरे उसमें अपना कॉन्फिडेंस के साथ में। और जो ब्लू कॉर्नर का खिलाड़ी है, निश्चित तौर पर जब शीडो किसी खिलाड़ी को मिल जाता है, कोई पेनल्टी मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा सेफ जोन में खेलना शुरू करता है, डर उसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है कि दूसरी शीडो या तीसरी शीडो मुझे नहीं मिल जाए। और आप भी देख ले, फिर से एक अटैक किया है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने, बट इसको मैं समझता हूँ रेफरी ने माथे का इशारा किया, और ये जो साइन दिया है रेफरी ने, ये फेक अटैक का साइन है जूडो में, यानी आपने गलत तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपने अटैक नहीं किया है, उसका ये एक साइन है। और बराबर लगातार वाइट कॉर्नर उसको खिला रहा है और वजारी स्कोर दिया है, रेफरी ने वजारी स्कोर दिया है वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी को। जैसा कि मैं बता रहा था कि लगातार उसको शीडो, ब्लू को 2 शीडो हो गए, तो शीडो से कहीं ना कहीं खिलाड़ी प्रेशर में आ जाता, तो वो प्रेशर देखने को मिला ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी। जी हाँ परवेज, अब ब्लू कॉर्नर के इंद्र आकाश सिंह 2 शीडो का खतरा मोल ले चुके हैं, और वहीं लकी काफ़ी लकी हैं, 1 वजारी इन्हें हासिल हो चुकी है। किरण शर्मा रेफरी इस मुकाबले की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ये रेफरी हैं, और क्यों ना हो, बहुत बड़ा मंच है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं, सभी व्यवस्था जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रखी गई है। निर्धारित 4 मिनट का खेल, और ये देखिए जैसे ही खेल रुकता है क्लॉक रुक जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम इस खेल में नहीं होता है, लेकिन अगर 4 मिनट की समाप्ति पर कोई भी स्कोर नहीं होता है या स्कोर इक्वल रहता है, टाई होता है, तो फिर मुकाबला जाता है गोल्डन स्कोर में। फिलहाल अगर ये मुकाबला यहीं समाप्त हो जाए तो एक तरीके से लकी जो है वो विजेता के रूप में उभरेंगे, और जी हाँ इप्पोन के जरिए इस मुकाबले को अपने नाम किया है गोल्ड मेडल हरियाणा के लकी। इंद्र प्रकाश सिंह खेले बहुत अच्छा, फाइनल में पहुंचे थे लेकिन यहां पर सिल्वर मेडल से संतोष किया, और ये देखिए खेल भावना, दोनों ही खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान। बिलो 52 किलोग्राम का ये मुकाबला है ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए, उत्तर प्रदेश की रुया कश्यप के सामने है मध्य प्रदेश की युषणा फातिमा, मिजोरम के लॉरिंग पोई रेफरी, और जो टेबल जज हैं वो मणिकंदन तमिलनाडु के और जय श्री केरला के। और आते ही
चुस्ती फुर्ती का प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों का देखिए। रुया कश्यप व्हाइट कॉर्नर में और मध्य प्रदेश की युश्रा फातिमा ब्लू कॉर्नर में अपनी चुनौती पेश करते हुए ग्रिप बनाने की कोशिश और बहुत बढ़िया फुर्ती से टेक्निक लगाने की पॉइंट जी हाँ वजारी हासिल की है रुया कश्यप ने। और इप्पोन इसी के साथ इप्पोन का इशारा बहुत मात्र 20 सेकंड में इस मुकाबले को अपने नाम किया है विजेता घोषित किया गया है रिया कश्यप को। गोल्ड मेडल मैच के लिए बिलो 52 किलोग्राम कैटेगरी में यह मुकाबला है त्रिपुरा की पॉपी भौमिक और उनके सामने गुजरात की मेहरुद्दीन मखवाना। गोल्ड मेडल का ये मुकाबला है प्रतिष्ठा दांव पर लगी है त्रिपुरा और गुजरात की। देखना होगा कौन सा खिलाड़ी यहाँ बाजी मारेगा स्वर्ण पदक किसका होगा और सिल्वर फैसला निर्भर करेगा प्रदर्शन पर। जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती यहाँ कोई भावना महत्व नहीं रखती। महत्व रखता है खिलाड़ी का जज्बा हौसला कड़ी मेहनत और चतुराई से किया गया प्रदर्शन। जो बाजी मारेगा वही गोल्ड मेडल का हकदार भी होगा। और इसी के साथ वजारी का एक अंक दिया गया है गुजरात की मेहरुद्दीन को। बहुत बढ़िया तरीके से ब्लू कॉर्नर की इस खिलाड़ी ने लगातार दबाव बनाए रखा शुरुआती क्षणों में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की। और अब ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी देखिए लगातार होल्ड की पोजीशन पर रखे हुए हैं लेकिन इसी बीच माते का इशारा और हजमे के साथ खेल दोबारा शुरू प्रवेश। बिल्कुल कौशिक आप देख रहे हैं कि ब्लू कॉर्नर का जो खिलाड़ी है वो शुरू से ही एग्रेसिव होता नजर आ रहा है कंट्रोल करता नहीं। देखिए किस तरीके से ससाए सूर्य कौमी आसी एक टेक्निक होती है जापानी भाषा में मैं बता दूं उसका प्रयास किया है और उसाई कौमी लगाई है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टाइम शुरू हो गया है वजारी पहले से ही एक खिलाड़ी को है जो ब्लू कॉर्नर का खिलाड़ी उसको वजारी मिल चुका है। ऐसी स्थिति में 10 सेकंड देखना होता है वजारी वास्ते पोन का इशारा किया कुलदीप शर्मा रेफरी ने और अब ये डिसीजन दे दिया गया ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। बिलो 66 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए आमने सामने हैं महाराष्ट्र के धनंजय भानुदास और उनके सामने ब्लू कॉर्नर में दिल्ली के शौर्य पवार। रेफरी की भूमिका में हैं पंजाब के दिनेश। पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पर। और आते ही अपने जोहर का प्रदर्शन यहां करना शुरू किया है अपने कौशल को अपने जो गुर सीखे हैं उन्होंने उनको आजमाना शुरू कर दिया दोनों ही खिलाड़ियों ने। ये देखिए स्टार्टिंग से ही ग्रिप बनाने की कोशिश और एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के धनंजय जी हाँ बहुत बढ़िया ऊंची माता टेक्निक के लिए गए थे। इस बार शायद अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आए लेकिन संभाला अपने आप को और इसी के बीच एक वजारी का अंक हासिल करने में कामयाब रहे हैं दिल्ली के शौर्य। जी हाँ शौर्य दिखाया है दिल्ली ने। मुकाबला महाराष्ट्र के साथ है व्हाइट कॉर्नर में धनंजय अटैक लगातार बना रहे हैं लेकिन कामयाबी मिली है वजारी के रूप में दिल्ली के खिलाड़ी शौर्य को। और ये देखिए जैसे ही खेल रुकता है क्लॉक भी रुक जाती है क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा की पॉइंट जो समय है वो नहीं दिया जाता है और एक बार फिर खेल शुरू होते हुए इस बार अटैक करने की कोशिश जरूर है ऊपर से हावी होने की कोशिश है लेकिन उतना ही बढ़िया रक्षात्मक रुख भी देखने को मिला दिल्ली के शौर्य का। और इसी के साथ निश्चित तौर पर एक शिडो मिलेगी। जी हाँ एक शिडो का खतरा मोल ले लिया है महाराष्ट्र के धनंजय ने। जोश में जरूर है लेकिन जोश में होश बरकरार रखने में शायद थोड़ी सी चूक हुई है धनंजय से। और प्रवेश क्या ये
कामयाबी मिलेगी, जो जोश देखने को मिल रहा है धनंजय का, क्या तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल कौशिक, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार जो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी टेक्निक का, जो कंटिन्यू अटैक कर रहा है दिल्ली का खिलाड़ी सौर्य, मगर महाराष्ट्र का खिलाड़ी अपने आप को डिफेंस करता नजर आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर है, इस बात का डर है क्योंकि वजारी उसने ऑलरेडी दिया हुआ है दूसरे खिलाड़ी का जो स्कोर है, और चौक के लिए अप्लाई किया है, चौक यानी सिमीवाजा, जैपनीज भाषा में मैं बता दूं, सिमीवाजा के लिए अप्लाई किया है, और रेफरी का माथे का इशारा, शायद रेफरी को लगा के चौक नहीं लग रही है तो रेफरी ने माथे इशारा किया, दिनेश ने, पंजाब के दिनेश रेफरी ने माथे के लिए इशारा किया और दोनों खिलाड़ियों को इशारा किया अपने अपने कॉर्नर पर, फिर से हजमे के लिए इशारा करते हुए, और आप देख रहे हैं कि व्हाइट कॉर्नर का खिलाड़ी जो दिल्ली का खिलाड़ी है वो अपनी ग्रिप लेकर फिर से बैक में अटैक करने की कोशिश करी मगर विफल रहा, और कहीं ना कहीं डिफेंसिव पोजीशन में खेलता नजर आ रहा है महाराष्ट्र का खिलाड़ी धनंजय, अपने आप को सेफ जोन में ले जाता नजर आ रहा है, इसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि वजारी अंक अर्जित कर रखा है, वजारी स्कोर ले रखा है दिल्ली के खिलाड़ी ने, तो धनंजय का डरना स्वाभाविक है, और इस तरीके से ये ससाई के लिए लिफ्ट करने की कोशिश करी थी यहीं से मगर नहीं हो पाया, धनंजय ने स्कोर किया और ये वजारी स्कोर दिया है ब्लू कॉर्नर के शौर्या को, वजारी वास्ते पॉन हो गया है। जी हाँ, ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने पहले एक वजारी लिया और दूसरा अंक फिर वजारी के रूप में मिला, वजारी प्लस वजारी इक्वल टू इप्पॉन, और इप्पॉन के जरिए यहाँ पर ब्रोंज मेडल दिल्ली ने अपने नाम किया है, जीत लिया है इस मुकाबले को शौर्य पवार ने। और अब ये गोल्ड मेडल मैच है बिलो 66 किलोग्राम कैटेगरी में, मणिपुर वर्सेस मणिपुर, मणिपुर की वांगोई है व्हाइट कॉर्नर में और वांगलेन है ब्लू कॉर्नर में। जी हाँ, मेंस में बिलो 66 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल का ये मुकाबला है, कर्नाटक के राजेश रेफरी और टेबल जज महाराष्ट्र के फरजान और सीआरपीएफ के थरुना, दोनों खिलाड़ियों ने ग्रिप बनाने की कोशिश की है स्टार्टिंग में, जल्दबाजी यहां देखने को नहीं मिल रही है, जानते हैं और इस बार ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से तेजी दिखाते हुए हावी होने की कोशिश की थी लेकिन बहुत जल्दी काबू पाया है यहां ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने, और अब एक तरीके से बेबस करते हुए वांगलिन को वांगदोई, और सेफ्टी एरिया में अब जैसे जैसे अगर ये बढ़ेगा तो खेल को माथे से रोक दिया रेफरी ने, कर्नाटका के राजेश, ये जो 8x8 का येलो एरिया तटामी का होता है यही, इसी के बीच में आपको रहकर अटैक करना होता है, और बहुत बढ़िया तरीके से एक तरीके से या वजारी दिया गया है, शोडा की टेक्निक यहां अप्लाई की थी और मणिपुर के वांगलेन ने, और इसी के साथ इप्पोन एक वजारी और दो वजारी जब मिल जाती है तो वो इप्पोन हो जाता है, तो इप्पोन के जरिए गोल्ड मेडल हासिल किया है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी वांगलेन ने, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, जब मौका मिला टेक्निक अप्लाई की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और अब यह मुकाबला है बिलो 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल का यह मैच है, हरियाणा के सामने है मणिपुर, हरियाणा के निकिता और मणिपुर की रोनी एच, निकिता व्हाइट कॉर्नर में और ब्लू कॉर्नर में है रोनी, जो रेफरी है इस मुकाबले में है वो है सीआरपीएफ की तरुणा। निर्धारित 4 मिनट का खेल शुरू, शुरुआती क्षणों में कोई जल्दबाजी नहीं देखने को मिली है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है मणिपुर की रोनी और यहां पर वो प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, लगातार ऊंची माता ओचिगारी टेक्निक होती हैं जूडो की, और इस बार ये ओशिगारी के लिए गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाई, बहुत बढ़िया
रक्षात्मक रुख अपनाया है व्हाइट कॉर्नर की निकिता ने। हरियाणा अपने खेल कल्चर के लिए जाना जाता है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, हरियाणा के खिलाड़ी अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं और मणिपुर भी भारत की आन बान शान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेलों में हमेशा देखने को मिलती है। मणिपुर के खिलाड़ी विशेष पहचान रखते हैं। और इसी के साथ एक वार्निंग दी गई है मणिपुर के खिलाड़ी को, शिडो। ये पैसिमिस्टी का जो है ये खामियाजा भुगतना पड़ा है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को, जब आप अटैक नहीं करते हैं। और इस बार ये सेफ्टी एरिया से बाहर अटैक है, निश्चित तौर पर पॉइंट तो नहीं मिलेगा। पूनम चोपड़ा, निकिता की कोच अर्जुन अवार्डी। जी हाँ, देखिए इस मुकाबले के महत्व को समझिए, दोनों ही ओर से लगातार टिप्स दिए जा रहे हैं। जानते हैं दोनों ही टक्कर के खिलाड़ी हैं। बहुत बढ़िया डिफेंस देखने को मिला है निकिता का। और प्रवेश, जब इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं आमने सामने, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं रोनी, क्या लगता है हरियाणा टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल कौशिक, बिल्कुल टक्कर दे पाएगा, क्योंकि खेल के मैदान में कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोई खिलाड़ी नहीं होता है, जिसका दाव लग जाता है वही खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी कहलाया जाता है। कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो सामने वाला खिलाड़ी उसके प्रेशर में रहेगा। हम हमेशा देखते हैं कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी हरा के चला जाए, यही खेल की भावना है, यही खेल का मैदान है और यही एक खेल का दाव पेच होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो उसको नहीं हराया जा सकता। मगर अभी आप देख रहे हैं कि इस समय ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को शिदो दिलाया हुआ हरियाणा की खिलाड़ी ने, और फिर से ऊंची माता का अटैक किया मगर विफल रही। उसने काउंटर किया, फिर से इपंशियन आगे टेक्निक घुसने के लिए ब्लू खिलाड़ी ने अप्लाई किया था मगर नहीं, तरुणा शर्मा रेफरी ने माते बोला और दोनों खिलाड़ी अपने कॉर्नर की तरफ। और बाहर जाने का जो साइन, ये साइन दिया जाता है, बाहर जाने का साइन है, व्हाइट कॉर्नर के खिलाड़ी को भी शिदो दे दिया गया। इस प्रकार से दोनों खिलाड़ी जो हैं बराबर बराबर हैं, दोनों को एक एक शिदो हो गई है और 3 मिनट ख़त्म हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कोशिक ये भी गोल्डन स्कोर की ओर बाउट जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जिस तरीके से ये जूझ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये जिस तरीके से दूसरी बाउट भी गोल्डन स्कोर की ओर गई हैं और उनका फाइनल डिसीजन गोल्डन स्कोर पर ही रहा, तो मुझे भी ये संभवतः लग रहा है कोशिक कि ये भी गोल्डन स्कोर की ओर ही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बराबरी ज़रूर हुई है यहाँ पर, लेकिन बराबरी अंकों की नहीं है, बराबरी शिडो की है। और ये निश्चित तौर पर दोनों ही खिलाड़ी नहीं चाहते हैं कि शिडो मिले, लेकिन यहाँ पर एक और टेक्निक होती है कि अगर आप अंक लेने में नाकाम रहते हैं और 2 शिडो और अवार्ड करवा देंगे विरोधी खिलाड़ी को तो भी आप जीत जाएंगे। तो इस तरीके की टैक्टिक्स भी हमने देखी है, अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो गलती करने के लिए अगर आप अपने विरोधी खिलाड़ी को मजबूर करते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो भी जीत आपको मिल जाती है परवेज। और निश्चित तौर पर ये अंतिम क्षणों में अब ये खेल आ चुका है, तो ये गोल्डन स्कोर का निश्चित तौर पर अब लगभग ये तय हो गया है कि ये मुकाबला जो है, जी हाँ, क्या एक शिडो और अवार्ड किया गया है हरियाणा की निकिता को। और इसी के साथ ये समय समाप्त और अब ये गोल्डन स्कोर के लिए शुरू होगा। फिलहाल एक एक शिडो के बराबरी पर दोनों खिलाड़ी गोल्डन स्कोर में अंक हासिल करने के लिए प्रयास करते हुए। और गोल्डन स्कोर की कहानी ये है कि जैसे ही कोई भी खिलाड़ी अंक हासिल करेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए तेजी जो है अब वो देखने को मिली है मणिपुर के खिलाड़ी की ओर से, चाहते हैं कि एक बार आजमाया जाए। बहुत बढ़िया तरीके से ये पॉइंट मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो सेफ्टी एरिया में पॉइंट लिया गया है तो निश्चित तौर पर ये अंक तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो येलो एरिया है यहीं पर आपको अंक हासिल करना होता है। रिव्यू की डिमांड की गई है। और यहां पर एक टेक्निकल टर्म्स वो भी होता है कि अगर अटैक आपने जो
कंटेस्ट एरिया में अगर आपने अपनी टेक्निक अप्लाई की है और उसके बाद अगर गिरे हैं आप सेफ्टी एरिया में तो भी पॉइंट आपको मिलता है, और इसी के लिए मौजूद होता है रेफरी। यही परीक्षा होती है रेफरी की, और वीडियो रेफरल भी जो आधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग भी यहाँ पर कुशलता से किया जा रहा है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उनके अनुरूप यहाँ व्यवस्था की गई है, क्योंकि जानते हैं हम इन खिलाड़ियों को आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती पेश करनी है और उसी की यहाँ पर पूरी व्यवस्था। जी हाँ, इसी के साथ बिलो 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है हरियाणा की निकिता ने। और ये मुकाबला है बिलो 57 किलोग्राम कैटेगरी का, गोल्ड मेडल का ये मैच है। गुजरात की शाहीन दारजादा और उनके सामने है हिमाचल प्रदेश की रूपांशी। और देखिए शुरुआती क्षणों में ही बहुत बढ़िया ग्रिप बनाने की कोशिश थी और ये हावी होते हुए व्हाइट कॉर्नर के खिलाड़ी गुजरात की शाहीना, और रेफरी का इशारा माते का हजमे, और खेल की शुरुआत एक बार फिर। लगातार एक के बाद एक बढ़िया अटैक देखने को मिला है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया। जी हाँ, वो दिखाया भी है व्हाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने गुजरात की इप्पॉन के जरिए। जी कौशिक, अभी यहाँ बहुत अच्छी टेक्निक तानिया तोशी टेक्निक देखने को मिली है जो खिलाड़ी को मारी गई है लिफ्ट करके, और वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी को इसमें विजेता घोषित किया गया, गोल्ड मेडल मिला है शाहीन गुजरात को उसमें। और अब ये अगला मुकाबला बिलो 73 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल का ये मैच, तेरसु है व्हाइट कॉर्नर में और अग्रसेन ब्लू कॉर्नर में। जादू जोडो का सर चढ़कर बोलता हुआ जोडो एरिना में, बहुत बढ़िया शुरुआती क्षणों में ही अटैक के लिए गए थे ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी, और सफलता। जी हाँ, मात्र 10 सेकंड में इस जूडो के मैच में मेडल हासिल कर लिया है, ब्रोंज मेडल हासिल किया है मणिपुर के खिलाड़ी ने इप्पॉन। मात्र 10 सेकंड में शानदार प्रदर्शन अग्रसेन का, बहुत बढ़िया। बिलो 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल मैच राजस्थान वर्सेस दिल्ली, राजस्थान के अतीश चतुर्वेदी व्हाइट कॉर्नर में और दिल्ली के हितेश कुमार गोलिया ब्लू कॉर्नर में। निर्धारित 4 मिनट का खेल शुरू, और आते ही दोनों खिलाड़ियों ने ग्रिप बनाने की कोशिश की है, गोल्ड मेडल ये मैच है, प्रतिष्ठा दांव पर है। और देखिए हितेश कुमार गोलिया, जी हाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और प्रदर्शन भी उसी प्रकार कर रहता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार उलटफेर भी देखने को मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप इंटरनेशनल खेल चुके हैं तो अब आप हार नहीं सकते हैं, ये खेल है जनाब, और यहाँ पर जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। टी शर्ट पर नाम बड़ा लेकिन अगर आपका कारनामा छोटा है तो जीत आपको नहीं मिलेगी, और लेकिन यहाँ पर नाम भी बड़ा और कारनामा भी लगभग बड़ा करने की कोशिश में यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के हितेश कुमार गोलिया बहुत बढ़िया सेफ्टी एरिया से लेकर आए हैं यहाँ पर सेंटर स्टेज का इशारा करते हुए रेफरी तमिलनाडु के मणिकंदन, और राजस्थान की आन बान शान की रक्षा के लिए यहां पर अतीश चतुर्वेदी और दिल्ली के हितेश कुमार गुलिया आमने सामने। यही है भारत का युवा, यही है भारत का भविष्य, और मंच है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। एक बार फिर माते का इशारा, ये फाइनल मुकाबला है, गोल्ड मेडल का ये मैच है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच है।
क्योंकि जो भी खिलाड़ी यहाँ विजय प्राप्त करेगा, गोल्ड मेडल, उसके गले की शोभा बढ़ाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। जी हाँ, सुनहरा रंग उसी के तलाश में दोनों खिलाड़ी यहाँ पर फाइनल मुकाबले में बिलो 73 किलोग्राम कैटेगरी में। और यहाँ वाइट कॉर्नर के जो खिलाड़ी हैं राजस्थान के, अतीश दो शीटों का खतरा मोल ले चुके हैं। अगर यहाँ पर अब दिल्ली के हितेश कुमार गुलिया कोई अंक हासिल ना भी करें, बस एक गलती करने पर मजबूर करें, तो हंस को माके के जरिए वो जीत प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि तीन शीडो मतलब मैक्सिमम पेनल्टी। और हंस को माके इस बार ये सेफ्टी एरिया में अभी होने को, दो मिनट का खेल कंप्लीट हो चुका है, एक मिनट 41 सेकेंड का खेल अभी भी बाकी। और यहाँ माते का फिर इशारा। अब एक तरीके से दिल्ली के जो हितेश कुमार गोलियां हैं उन्होंने इरादे जाहिर कर दिए हैं, अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो एक तरीके से विनर के रूप में हितेश कुमार गोलिया, जी हाँ, अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनुरूप ही प्रदर्शन करते हुए। और इसी के साथ देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इप्पोन के जरिए इस मुकाबले को जीत लिया है। रायगोशी तकनीक को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ हितेश कुमार गोलिया ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। We'll be right back.
खेलो साथ में।